हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्तम आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिलिंग इन फॉर्म्स ये इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है एंड लेट एस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड वील बी डूइंग एक्सरसाइजेज एज वेल ऑल दी एक्सरसाइजेस विद द आंसर्स बॉर्म फिलिंग क्या है अब हमारे डे टू डे लाइफ में एज वी आर सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया हमें कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए डॉक्यूमेंट्स को इशू करेगी इन द शेप ऑफ कार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स अब ये करने के लिए उसे सबसे पहले हर इंडिविजुअल की कुछ स्पेसिफ़िक इंफॉमेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म्स इशू करती है फॉर्म्स जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होते हैं ओके एंड दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट इज़ कॉल्ड अ फॉर्म अब इन फॉर्म्स के ज़रिए हम लोग अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स इशू करवा सकते हैं जैसे कि रेशन कार्ड वोटर आई आधार कार्ड पैन कार्ड हम सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट टी सी बोनाफाइड ओके अब बैंक्स जो है वो भी अलग अलग टाइप के फॉर्म्स यूज़ करते हैं जैसे कि विदड्रॉल फॉर्म यानी कि पैसे निकालने का फॉर्म डिपॉजिट फॉर्म जब हमें पैसे जमा करवाने होते हैं बैंक में रेलवेज रेलवे स्टेशंस जो है वो अपने रिजर्वेशन के लिए फॉर्म्स इशू करती है एंड देन यू हैव कैंसिलेशन फॉर्म्स अगर आपको अपनी रेलवे रिजर्वेशन कैंसिल करानी है तो उसका भी फॉर्म होता है तो फॉर्म्स बेसिकली हम हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सो ऑनलाइन फॉर्म फ़िलिंग भी होती है और मैनुअल फॉर्म फिलिंग भी होती है ओके मैनुअल यानी कि जब आप इन हैंड देते हो अपना फॉर्म कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट में दैट इज कॉल्ड मैनुअल फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन इज विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन गो टू द स्पेसिफिक वेबसाइट एंड वी कैन फिल अप द फॉर्म्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज ओके नाउ लेटस डू सम एक्सरसाइजेस ऑन फिलिंग इन फॉर्म्स दिस कैरीज फोर मार्क्स इन यूर रोबोट एग्जाम तो पहला टाइप का जो फॉर्म है वो है डिपॉजिट फॉर्म जब आपको बैंक में मनी डिपॉजिट करवाना हो ओके सो लेटस अंडरस्टैंड वॉट इज दिस अ सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंड स्लिप मस्ट बी यूज टू डिपॉजिट मनी इन बैंक सो ये जो फॉर्म है ये एक सेविंग्स बैंक के अंदर आपको जब पैसे जमा करवाने होते हैं डिपॉजिट करवाने होते हैं उसकी स्लिप है एवरी पे इन स्लिप हैज़ टू पार्ट्स सो हर स्लिप जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं द लॉन्गर वन इज रिटेन इन द बैंक एंड द काउंटर फॉल इज़ टू बी केप्ट विद द पर्सन डिपॉजिटिंग द अमाउंट लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड ऑब्जर्व केयरफुली हाउ द फॉर्म इज फिल्ड इसका मतलब यह है कि जो बड़ा पार्ट होता है लार्जर पार्ट ऑफ द फॉर्म वो बैंक वाले रख लेते हैं दिस इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ दिस होल होल थिंग इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ द फॉर्म एंड दिस साइड इज द स्लिप विच इज गिवन टू अज क्योंकि मैं जमा कर रही हूँ सो दिस स्लिप विल बी गिवन टू मी एंड ये वाला जो है वो बैंक रख लेता है चलिए एक्सरसाइज वन करते हैं मिस्टर एल श्रीनिवास वॉन्ट्स टू डिपॉजिट एन अमाउंट नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो यह अमाउंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये उसका डिपॉजट अमाउंट है

ओके सो यू फाइव हंड्रेड इंटू एटीन यू विल गेट अमाउंट इज नाइन थाउजेंड ठीक है अब नाइन थाउजेंड ही पूरा हुआ है लेकिन उसका डिपॉजिट अमाउंट कितना है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब वो सिक्स हंड्रेड के दो सौ नोट्स है उसके पास यहाँ पर उसने मेंशन किया है बाकी के नोट्स दो दो दो, दो, दो सौ के हैं उसके पास सो so, अब आपको टू हंड्रेड कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे आपको सिक्स हंड्रेड आ जाए सो so, मैं यहाँ पर टू हंड्रेड इंटू थ्री करूँगी तो तब जाकर मुझे सिक्स हंड्रेड आएगा ओके देन हिज मोबाइल नंबर इज़ नाइन एट फोर एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट फिल द डिटेल्स इन द फॉलोइंग वाउचर टू डिपॉजिट द अमाउंट अब अमाउंट डिपॉजिट बैंक में करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा सो लेट्स सी यहां पर नंबर वन टू थ्री फोर दिया हुआ है सो लेट्स गो वन बाय वन फर्स्ट इज नंबर वन अब नंबर वन के बाजू लिखा हुआ है ब्रांच सो so, आपको ब्रांच नेम आपको पता है आसिफाबाद ब्रांच सो फर्स्ट आंसर इज आसिफाबाद ब्रांच सेकेंड वन डेट डेट में क्या लिखा हुआ है यहां पर डेट इज गिवन ओवर ओवेर ओके नेक्स्ट थर्ड वन इज अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर नंबर थ्री अब ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें आपको अकाउंट नंबर लिखना है अकाउंट नंबर यहाँ पर है ओके दिस इज़ द अकाउंट नंबर नेक्स्ट फोर्थ वन फोर्थ वन इज़ योर नेम तो आपका नाम आप अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखोगे यहाँ पर जिस पर्सन का नाम दिया गया है वो एल श्रीनिवास वो लिखोगे ठीक है नंबर फाइव नंबर फाइव इज़ टेलीफोन नंबर अगर एग्ज़ाम में टेलीफोन नंबर ना दे तब आप अपनी ओन से कोई भी नंबर भर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर इट इज़ गिवन सो यू कैन मैंशन दैट नेक्स्ट नंबर सिक्स नंबर सिक्स इज अमाउंट कितना अमाउंट उन्हें देना है नंबर सिक्स में दैट इज़ नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यू सिंपली राइट दै देन नंबर सेवन ओवर हियर यू हैव टू राइट द नंबर इन नंबर नेम फॉर्म लाइक नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की स्पेलिंग लिखना है आपको ओके दे नंबर नाइन इज अगेन यहाँ पर आपको वही अमाउंट डालना है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो इस साइड के जो डिटेल्स है और इस साइड के जो डिटेल्स है वो सेम है ठीक है ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट फॉर दिस वन ई मेल आई डी ओके ई मेल आई आप कोई भी डाल सकते हो यहाँ पर नंबर टेन इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर यानी कि एल श्रीनिवास की सिग्नेचर आएगी अब वहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर कर दो एग्ज़ाम में ओके मेन पार्ट द मिडिल पार्ट दिस वन ओके अब यहाँ पर आप गौर करो नीचे से फाइव इंटू टेन इंटू ट्वेंटी इंटू फिफ्टी इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड एट हंड्रेड टू थाउजेंड ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं अब उसने मेंशन किया है कि उसके पास पाँच सौ के एटीन नोट्स हैं अब पाँच सौ का कॉलम कहाँ पर है अब वो देखो ओके फाइव हंड्रेड इज जस्ट हेयर ओके दिस इज़ फाइव हंड्रेड सो आप क्या करोगे फाइव हंड्रेड के यहाँ पर ये लाइन में यहाँ पर आप एटीन लिखोगे ठीक है तो फाइव हंड्रेड इंटू एटीन कितना होता है नाइन थाउजेंड तो वो अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे ओके okay? ये एक हो गया अब दो सौ के कितने नोट्स हैं उसके पास थ्री सो so, हमें टू हंड्रेड इंटू थ्री करने से हमें सिक्स हंड्रेड आता है सो so, टू का हमें कॉलम ढूंढना होगा इट इज़ जस्ट बिलो 500. हंड्रेड सो टू के कॉलम में अब हम 3 लिखेंगे यहाँ पर ओके okay? और टू हंड्रेड इंटू थ्री कितना होता है वो यहाँ आएगा दैट इज़ सिक्स हंड्रेड ओके नाउ वी हैव टू ऐड दिस नाइन थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड सो टोटल दैट इज़ नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वो हम यहाँ लिखेंगे टोटल में ओके okay? बस इतना ईजी है फॉर्म आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म इज़ विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम अ बैंक सो ये विदड्रॉल फॉर्म है जब आपको पैसे निकालने होते हैं किसी भी बैंक से सो एज़ यू कैन सी ओवर हियर ब्रांच नेम मलकाजगिरी देन नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर okay and then account number will come here then the date will be here and then you have uh, pan number this is the pan number this is mobile number then you have branch malkajkari and the amount will come here and then signature okay so let us check out one problem you are lakshmi you want to withdraw an amount of 14500 from your account in the sbi mancherial branch so branch name is mancherial branch date is 2nd june 2022 your account number is this and pan is this so pan number also they have given okay fill the following withdrawal form so over here again like the previous form they have put numbers and you have to label it so number one is the branch name branch name is menshural branch okay the number two is date date is given over here just fill it up then third one third one is name of the account holder you have the name lakshmi you have to fill that name next you have account number account number is this one okay this is your account number you have to fill that and then how much money you are going to deposit that money must be written in number name form okay in spelling you have to write the amount over here and number should come over here for example she wants to deposit 14500 so over here you will have 14500 and the spelling will be in the fifth fifth one okay next pan number this one N you have to write a number 7 the number 8 is mobile number mobile number they have not given so you can fill mobile number number 8 on your own then home branch home branch is same mancherial branch okay home branch is mancherial branch then you can have signature of lakshmi over here okay so easy it is our third type of form is application for a demand draft or dd we call it in short or banker's check also a demand draft is drawn in favor of a particular person firm or institution

सो so, क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं एम सेट और आप कहाँ रहते हो वरंगल में अप्लाई फॉर अ डी डी ऑफ रुपीज एट हंड्रेड सो अमाउंट क्या है डीडी का एट हंड्रेड आप किसको भर रहे हो डी इन फेवर ऑफ द कन्वेनर टी एस एम सेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो कन्वेनर के लिए आप डीडी भर रहे हो देन इन एस बी आई वरंगल मेन ब्रांच सो so, कौन सा ब्रांच है वरंगल मेन ब्रांच देन इट शुड बी पेएबल ऑन एस बी आई जे एन टी यू ब्रांच सो so, ये जे एन टी यू ब्रांच में मिलना चाहिए द एक्सचेंज टू बी पेड इज रुपीज थर्टी फाइव थर्टी फाइव रुपीज़ एक्सचेंज यू हैव टू गिव टू मेक दिस डी डी सो फर्स्ट लेट्स नंबर वन ब्रांच ब्रांच नेम यू हैव टू कीप हेयर जे एन टी यू ओके सो इट इज गिवन ओवर हेयर जे एंड टी यू डोंट गेट कन्फ्यूज विथ वरंगल ओके वरंगल इज़ द ब्रांच फ्रॉम विच गंगाधर इज पेइंग ओके बट ये जो डी डी है वो कौन से ब्रांच को मिलना चाहिए डी जे एन टी यू ब्रांच है वो जो हमें जे एन टी यू ब्रांच डालना है नंबर वन में दंबर टू इज डेट डेट यहां पर दी नहीं गई है तो आप अपनी से कोई भी डेट भर सकते हो गंगाधर कि आप किसको भर रहे हो ये डीडी? तो वो है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके दिस होल थिंगीएसटी ट्वेंटी टू इज योर पे मतलब जिसको आप पे कर रहे हो देन नंबर फाइव नंबर फाइव इज अमाउंट अमाउंट कितना है अमाउंट है रुपीज एट हंड्रेड ओके सो नंबर फाइव इज रुपीज एट हंड्रेड एक्सचेंज एक्सचेंज यहाँ पर थर्टी फाइव रुपीज़ आपको देना है ओके सो यहाँ पर थर्टी फाइव देन यू हैव अमाउंट इन वर्ड्स यानी कि रुपीज़ एट हंड्रेड को नंबर नेम में आपको नंबर सेवन की जगह पर लिखना है ओके नेक्स्ट आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट दी अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर इज नंबर एट देन द डेट ओवर ओके देन पे नेम अगेन द कन्वेनर टी एस एम सेट विल कम इन नंबर फोर देन यू हैव द मनी दैट इज़ एट हंड्रेड रुपीज वर्ड यू हैव टू राइट एट हंड्रेड रुपीज स्पेलिंग ओके नेक्स्ट नाइन एटल व्रांच ओके वारंगल मेन ब्रांच नेक्स्ट यू हैव नंबर टेन इज फोन नंबर आपको अगर टेलीफोन नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आप अपनी ओन से भर सकते हो देन यू हैव सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेट ओके किसकी सिग्नेचर के गंगाधर की वो नंबर इलेवन पर आपको करना है एट हंड्रेड भरना है, 6 की जगह पे रुपीस 35 है. Okay. आपको यहां पर डालना है एट थर्टी फाइव रुपीज सेम टोटल सेम एट थर्टी फाइव रुपीज इन टोटल कॉलम ओके डिपॉजिटिंग कैश इन अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट किस तरह हम एक पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ पोस्ट ऑफिस एक्सरसाइज वन यू आर के मधुबाला योर अकाउंट नंबर इज़ वन एट नाइन सेवन फाइव इन बिलम्पली पोस्ट ऑफिस मंचीरियल डिस्ट्रिक्ट डिपॉजिट एंड अमाउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू योर अकाउंट बाई फिलिंग इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट फॉर्म सो यहाँ पर पर्सन जो डिपॉजिट कर रहा है उसका नाम है मधुबाला उसका अकाउंट नंबर है ये एंड ब्रांच नेम है ये एंड अमाउंट उसे डिपॉजिट करना है ये ओके सो लेट इज़ फिल द फॉर्म नाउ फर्स्ट इज Post office that is Manchiril branch. Then you have account number. Account number is 18975. Then you have date. Any date you can keep. Then paid into the credit of means the person who is paying his name should come here K Madubala. Then you have rupees. Rupees in words you need to keep here. How much? 25,000 rupees you need to write number name. Then number 6 is 25,000. The number you have to keep over here. Then again, seventh one is date okay then over here again the name of the post office that is material and then the account number same thing date also same then paid into the credit of k madhubala rupees 25000 number name you have to write here and then 25000 number you need to write here then the date over here and then signature of k madhubala

over here it is narsampet warangal then date date they have not given so any date you can keep here okay then next third one third one is they are asking you the type of account so it is a savings account they have mentioned here so you'll write savings account over here okay next one is account number account number they have not given in the question as you can see so you can keep any account number over here okay so just remember that if any information is missing in the question, then you can keep on your own. Then how much is the amount? Amount is rupees 12,000. Here you have to write. Okay, sum of. Then number six. Number six is the amount in words you need to write. So 12,000 spelling you need to write here. Okay. Then number seven and number eight is name of uh, messenger that is M. Dinakar and signature of Dinakar is number eight.

सीओ ही ट्रेन नंबर नेम ऑफ द ट्रेन डेट नंबर ऑफ सीट्स एक पर्सन के हैं दो पर्सन के हैं फिर कहाँ से आप चढ़ोगे कहाँ तक चढ़ोगे टू ठीक है बोर्डिंग एट यानी कि बोर्डिंग कहाँ पर चढ़ने वाले हो Then reservation, आप देन रिजर्वेशन कहाँ है आपकी लास्ट डेस्टिनेशन दिल्ली देन योर मोबाइल नंबर ओके देन कौन कौन ट्रैवल कर रहा है उन सब के नाम यहाँ आएँगे फिर उनका जेंडर मेल है तो मेल फीमेल है तो फीमेल ओके देन दर एजेस ओके उसका पूरा एड्रेस यहाँ आएगा देन मोबाइल नंबर डेट टाइम एंड देन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भर रहा है उसकी सिग्नेचर क्वेश्चन यू आर एम डी वेंकटेश वर्लू यू वॉन्ट टू गो टू सिरपुर काघास नगर ऑन ट्वेंटी फोर्थ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्रॉम वरंगल अलॉन्ग विथ योर फादर रामा राव एज फिफ्टी फाइव एंड योर मदर जनकी एज फिफ्टी बाई द ट्रेन नंबर वन टू सिक्स फाइव सिक्स नवजीवन एक्सप्रेस रिजर्व थ्री सीट्स इन एडवांस फॉर सेकेंड सीटिंग यानी कि सीट्स भी अलग अलग होते हैं तो दिस इज सेकेंड सीटिंग इन द ट्रेन क्लास बाई फिलिंग इन द फॉर्म गिवन बिलो नाउ सी यो वो हियर फर्स्ट दे आर आस्किंग ट्रेन नंबर सो ट्रेन नंबर फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन वन टू सिक्स फाइव सिक्स ट्रेन नेम इज़ नवजीवन एक्सप्रेस देन डेट ऑफ जर्नी डेट ऑफ जर्नी दे हैवन दैट इज ट्वेंटी फोर्थ मे ट्वेंटी ट्वेंटी देन क्लास क्लास दे हैवि नो टू सीटिंग्स So two seatings you have to write here. Then, number of berths or seats. So, how many passengers are there? Three, right? So, um, the person who's travelling is Venkateshwarlu, his uh, father Rama Rao, and mother is Janaki. So, in place of seats, you will write three. Number three will come here. Okay, then you have station. From where are they going to take the train? They are going to take the train from varangal. So station is from varangal. Varangal you will write here. Then up till where, which is the last destination. Last destination is Silpur Kaghas Nagar. That you have to write over here in number seven. Then boarding at. Again, they are going to board the train from Varangal. So Varangal, you have to write here. And then reservation up to up to the last destination again. Ninth, okay. Ninth is uh, Sirpur nagar Then mobile number, mobile number. If they have not given, then you have to write on your own. Then the three persons' names will come here. Okay. First, you have to write number one is Mr. D Benkateshwarlu. Then number two, number two is D Ramarao. Third is Janaki, Mrs. Janaki. Okay. So you have the genders also over here. Two are males. And one is female. You have to write it over here. And then the ages. What are the ages? 30, 55, and 50. Then over here, name of applicant. Number 12. Name of applicant is what? Mr. D. Venkatesh Varlu. Then his full address will come here. Okay. Number 13. Full address. Whatever address they have given in the question. If no address is given, then you can put up your own. But if address is provided, then you will use that. Then signature of the applicant. And then mobile number, date, time. Okay. Time will be 9 a.m.